अब देखो, ये कोई एक क्वेश्चन है जो गेट 2018 में आया था। बहुत ही आसान और बहुत ही मतलब फुद्दू सा क्वेश्चन था ये, जो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमसे पूछा है कि एक फेज डायग्राम दे दिया ब्लैक ऑयल का, और पूछ मैच करने बोला है। बोला है कि ये मान लो एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये फेज वन है, ये फेज टू है, तो ये क्या क्या चीज़ है। तो देखो, एक्स वाई अगर कोई है कर्व एक्स वाई, तो एक्स वाई बोला है क्या है ये एक्स वाई, बताओ क्या है ये, तो क्या है बबल पॉइंट कर्व है। तो ये बबल पॉइंट कर्व है, तो ये क्या हो गया, पी से थ्री मिल गया। अब पूछा है वाई जेड क्या है, वाई जेड ये तो ड्यू पॉइंट कर्व है, तो ये ड्यू पॉइंट कर्व हो गया, ये क्या हो गया, ये वन हो गया। अब बोला फेज वन क्या है। अब देखो, ये फेज वन बबल पॉइंट कर्व के ऊपर क्या होता है, लिक्विड फेज होता है, और ड्यू पॉइंट कर्व के नीचे क्या होगा, गैस फेज होगा। तो फेज वन क्या हो गया, गैस हो गया, सिंगल फेज ये ऑयल है, यहाँ दिख नहीं रहा है, सिंगल फेज ऑयल होगा, नहीं लिक्विड यहाँ चला गया है, ठीक है, सिंगल फेज लिक्विड। तो फेज वन क्या हो गया, टू हो गया, और फेज टू क्या हो गया, सिंगल फेज गैस हो गया, सिंगल फेज गैस दैट इज फोर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, पी थ्री क्यू वन आर टू और एस फोर। तो 3124 ये नहीं है, 3124 आंसर ये आ गया, यहाँ 3142 है, नहीं है वन, ये भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, आंसर बी, आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दम था क्या क्वेश्चन। ये सवाल क्या है, 2018 में पूछा गया है, जो कि बहुत ही आसान सा है, समझने की कोशिश करना। इसमें क्या बोला है कि द प्लॉट ऑफ प्रेशर टू गैस पी जेड का प्लॉट जीपी के रेस्पेक्ट में बनाया है, ठीक है, मतलब द प्लॉट ऑफ गैस प्रेशर टू गैस कंप्रेसिबिलिटी पी जेड वर्सेस क्यूमुलेटिव गैस प्रोडक्शन फॉर अ गैस रिजर्वायर रिप्रेजेंट बाय अ सॉलिड लाइन। मतलब क्या किया, ये एक ग्राफ बनाया किसी ने, ठीक है, ये ग्राफ बनाया किसी ने, ठीक है, वॉज सोन टू अ रिजर्वायर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब ये ग्राफ बना के कोई क्या किया, आपके पास ले आया, आप एक रिजर्वायर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इस तरीके का कोई ग्राफ ले आया आपके पास, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पूछा गया द स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पूछा गया कि ये ग्राफ देख के आपसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर रिजर्वायर के बारे में कुछ ज्ञान की बातें बताओ, और मैं बताऊंगा कि मान लेते हैं जो उस स्टूडेंट ने बातें बोली, हो सकता है कि वो सारी बातें सही हो सकता है वो सारी बातें गलत हो, और हो सकता है कि उसमें से कुछ बातें सही हो और कुछ बातें गलत हो। तो अब हमें देखना है कि जो स्टूडेंट ने वो स्टेटमेंट्स दिए, उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स क्या हैं सही हैं। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओगे अब कि उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो स्टूडेंट ने सही बताए, और कौन कौन से वो स्टेटमेंट जो उसने गलती कर दी, मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। बात समझ आ रही है। तो देखो, पहले समझते हैं, वो देख के क्या बोलता है इस ग्राफ को, कि वाटर एक्वीफर इज अटैच टू द गैस रिजर्वायर। देखो, ये स्टेटमेंट उसने क्या बोला, ये ग्राफ देख के उसने बोला कि ये गैस रिजर्वायर में एक्वीफर है। तो देखो, मैं देखता हूँ इस ग्राफ को और मैं बोलता हूँ यस, कहीं ना कहीं क्या है कि ये स्लोप देखो चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब प्रेशर मेंटेन हो रहा है, ठीक है, प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई बड़ा बड़ा रिजर्वायर है, प्रेशर मेंटेन हो रहा है। तो प्रेशर मेंटेन हो रहा है मतलब वाटर इन्फ्लक्स है, और वाटर इन्फ्लक्स है तो कहीं ना कहीं एक्वीफर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्या बोल रहा है, पी और जेड का जो ग्राफ है कर्व मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन फॉर वाटर इनकोचमेंट इन द गैस रिजर्वायर। वो क्या बोलता है कि पी जेड और जीपी का जो कर्व है, या जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो जो कर्व बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा है नहीं, सिर्फ पी जीपी मस्ट हैव ए स्ट्रेट लाइन फॉर वाटर इनकोचमेंट नहीं होना चाहिए गैस रिजर्वायर में। अगर वाटर इनकोचमेंट होता है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब मैं एफ और ई जी को प्लॉट करूंगा, ये प्लॉट करने पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ना कि ये प्लॉट करने से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट टू गलत हो गया,
वो गलत बात बोल गया। वहां पी और जेड का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा व्हेन देयर इज नो वाटर इनकोर्चमेंट इनटू द गैस रिजर्वायर। ये बात हो गई। द अल्टीमेट गैस रिकवरी इज डिमिनिश्ड ड्यू टू वाटर इनकोर्चमेंट। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये गैस रिजर्वायर एक हाई रिकवरी देगा जब वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन गैस ड्राइव से काम कर रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगर वाटर इन्फ्लक्स हो रहा है तो गैस रिजर्वायर में रिकवरी कम हो जाती है, घट जाती है। हाँ, ऑयल रिजर्वायर अगर होता, वहाँ पानी अगर इन्फ्लक्स हो रहा होता, प्रेशर मेंटेन हो रहा होता, तो वहाँ पे रिकवरी मुझे ज़्यादा मिलती, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन और थ्री क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ओनली वन एंड टू नहीं, टू एंड थ्री, थ्री वन एंड थ्री आर सही, वन टू थ्री तीनों सही नहीं, तो वन एंड थ्री आर सही, दैट इज सी इज द राइट आंसर। अब देखो, ये एक सवाल आया था गेट 2018 में, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ ऑयल फेज विस्कोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है, वेयर पीबी इज द बबल पॉइंट, ठीक है। तो मुझे चार कर्व्स इन्होंने दे दी और पूछा कि कौन सी कर्व विस्कोसिटी की रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेशर वर्सेस विस्कोसिटी। तो मुझे क्या पता है कि प्रेशर अगर पी रिजर्वायर अभी पड़ा है ग्रेटर देन बबल पॉइंट है, तो प्रेशर के घटने पे विस्कोसिटी क्या होगी? क्या होगी? घटेगी। प्रेशर के घटने पे विस्कोसिटी क्या होगी? घटेगी। और अभी फिर मैंने पी रिजर्वायर अगर लेस देन बबल पॉइंट हो गया तो प्रेशर के घटने पे विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी कर्व क्या हो गया? अगर देखो ये वाला, ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, ठीक है, फिर ये घट रहा है, तो ये है क्या? नहीं है। ये कंटिन्यूसली घट रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, बबल पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब यहाँ विस्कोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। प्रेशर क्या है? घट रहा है और बबल पॉइंट से ज़्यादा है। फिर यहाँ विस्कोसिटी क्या हो गई? बढ़ रही है, जब प्रेशर क्या है? बबल पॉइंट प्रेशर से कम है। तो कर्व कौन सा हो गया? फोर्थ। आंसर क्या आ गया? डी करेक्ट हो गया। तक गेट में 5 साल आई थिंक क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से 2 साल गेट में सवाल पूछे हैं और दोनों ही गेट साल गेट के सवाल कोनिंग से बहुत ही आसान टाइप से सवाल थे, जो कि बहुत ही बेसिक्स और फंडामेंटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अज्यूम देर आर विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और कैपिलरी फोर्स। अज्यूम दैट विस्कस, ग्रेविटी एंड कैपिलरी फोर्स आर द ओनली डोमिनेटिंग फोर्सेज फॉर फ्लूड फ्लो इन अ गिवन रिजर्वायर। देन अ कोन इज फॉर्म्ड अराउंड अ परफोरेशन विल ब्रेक इन टू द वेल। मतलब अगर एक वेल है और इसमें मैं मानता हूँ कि तीनों फोर्सेज हैं, तो एक कोन बना है और वो वेल में ब्रेक कर देगा, मतलब कोनिंग हो जाएगी, तो ये किस वजह से होगी? ठीक है, ये किस वजह से होगी? तो यहाँ पर लिखता है कैपिलरी फोर्सेज, ये किस वजह से होगी? तो ये बोल रहा है कि कैपिलरी फोर्सेस मान लो आर मोर देन विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स मान लो और ग्रेविटी फोर्स। तो देखो, हम तो एक बात तो जानते हैं कि कोनिंग होने के लिए कैपिलरी फोर्स का होना जरूरी नहीं है, वो तो इनइक्वालिटी किसके किसमें बीच में है? ग्रेविटी और विस्कस फोर्स के बीच में, ठीक है। तो बोलता है विस्कस फोर्स आर मोर देन ग्रेविटी फोर्स, एक ऑप्शन। ग्रेविटी फोर्सेस आर मोर देन कैपिलरी, कैपिलरी फोर्सेस तो खत्म ही है, और विस्कस और ग्रेविटी फोर्स इक्वल है, नहीं। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्सेस आर मोर देन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। जब डेल्टा पी इज मोर देन डेल्टा जी, तब होती है कोनिंग। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास? बी। इससे आसान सवाल हो सकता था क्या? नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। सिलिंड्रिकल सेंस, देखो सिलिंड्रिकल दे दिया, सिलिंड्रिकल दे दिया, तो डायमेंशन बता दिया, यस और नो? डायमेंशन बता दिया। अब डायमेंशन ऑफ द कोर सैंपल अगर बता दिया है, तो कितना दिया हुआ है? 7.7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। तो जो वैल्यूज दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। और डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3.5,
3.5 डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोर सैंपल है, तो कह सकता हूँ बल्क वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाए आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पाए इंटू 3.5 का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 7.5, तो कितना आ गया, ये आ गया 72.16 सेंटीमीटर क्यूब सीसी सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आप देखो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द ग्रेन दे दिया 3 और ड्राई सैंपल दे दिया, तो ड्राई सैंपल का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ द ग्रेन दे दिया, ठीक है, तो बल्क वॉल्यूम ऑफ द ग्रेन क्या हो गया, वेट ऑफ द ड्राई कोर सैंपल अपॉन डेंसिटी ऑफ ग्रेन, तो ये कितना दिया हुआ है, 200 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 66.67, ठीक है, तो अब मेरे पास पोरोसिटी कितना आ जाएगा, बल्क वॉल्यूम माइनस ग्रेन वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, दैट इज 72.16 माइनस 66.67 अपॉन 72.16, तो ये कितना आ गया, बताओ दोस्तों फटाफट, दैट इज 0.0760, तो ये हो गया 7.6%, ठीक है, अब ये गेट 2018 में आया था, ठीक है, 7.6 या 7.56% आंसर आ गया। क्या करते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, गेट में ये सवाल आ चुका है, ठीक, इन 2000, अगर आप देखोगे थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको मैं, 2018 में गेट में ये सवाल आया था, ठीक है, और ये सवाल एक पाइपलाइन का सवाल है, ठीक है, एक पाइपलाइन काइंड ऑफ सवाल है ये, ठीक है, लेकिन हम इसको पेट्रोलियम में ही, हम इसको रिजर्वायर इंजीनियरिंग में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अभी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, तो इस सवाल को पढ़ते हैं, इस सवाल में क्या है, इसमें रिजर्वायर का कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, इसमें पाइपलाइन के कंसेप्ट ही यूज होंगे, इसमें क्या कह रहा है कि ऑयल है जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है दो रिजर्वायर्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ 3 पैरेलल पाइप्स, मतलब समझना, हमने क्या किया, हमारे पास दो रिजर्वायर्स हैं, ये मान लो एक रिजर्वायर है और ये मान लो एक दूसरा रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर ए रिजर्वायर बी, और इनके बीच में क्या है, 3 पाइप्स हैं, एक पाइप मान लो ये है, एक पाइप मान लो ये है और एक पाइप मान लो ये है, इन तीनों पाइप्स के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और पाइप्स का डायमीटर दे दिया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, याद रखना डायमीटर दिया है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर डायमीटर दे दिया, अब बोला है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है फ्लूइड की इक्वल लेंथ है, जो पाइप्स हैं उनका जो लेंथ है वो L है और सब पाइप का लेंथ क्या है, इक्वल है, और क्योंकि वो दो रिजर्वायर्स के बीच में एक्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में डेल्टा P भी क्या है, सेम है, अब डेल्टा P सेम होने के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड एक ही तरह का फ्लूइड फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट बी, तो मैं बोल सकता हूँ उनकी विस्कोसिटी भी सेम है जो फ्लूइड पाइप्स के थ्रू बह रहा है, तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई, जो कि इन फ्लूइड्स बह रहे हैं इन 3 डिफरेंट पाइप्स के बीच में, ठीक है, अब पूरा बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर डायमीटर की पाइप अगर है तो उससे 50 लीटर फ्लूइड निकल रहा है, तो 2 सेंटीमीटर की पाइप अगर होगी तो उससे फ्लूइड कितना निकलेगा, तो ऑब्वियसली देखो एक बात तो मन में क्या आ गई कि 4 सेंटीमीटर से अगर 20-50 निकल रहा है तो 2 सेंटीमीटर से तो कम ही फ्लूइड बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि रेट क्या था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया के, करेक्ट है ना, हाँ, तो एरिया अगर कम हो गया तो रेट भी कम होगा, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक इक्वेशन थी, हमने कहा Q इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4 डेल्टा पी अपॉन म्यू एल 8 टाइम्स, अगर मैं बोलूं कि जो मेरे पाइप 4 सेंटीमीटर की है वो पाइप ए है, ठीक है, तो मुझे इसका रेट पता है 50 लीटर्स पर सेकेंड पाई, इसका डायमीटर 4 था तो रेडियस कितना हो गया
टू की पावर फोर, डेल्टा पी मुझे पता नहीं है तो मैं डेल्टा पी रख लेता हूँ, एट टाइम्स म्यू भी नहीं पता, एल भी नहीं पता, ठीक है ये आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि पाई डेल्टा पी अपॉन एट टाइम्स म्यू एल इज नथिंग बट 50/2 की पावर 4, ठीक है ये एक इक्वेशन आई। अब मुझे क्या बोला है, मुझे रेट बताना है 2 सेंटीमीटर के बीच के पाइप का, तो 2 सेंटीमीटर वाले को मान लो मैं बी बोल देता हूँ, तो इसकी इक्वेशन भी क्या होगी, पाइपलाइन की इक्वेशन तो वही है, ठीक है 8 टाइम्स म्यू एल। अब देखो देखने वाली बात क्या है, ठीक है चाहे वो फ्लो रेट तुम पाइपलाइन ए के से निकाल रहे हो या तुम फ्लो रेट पाइप बी से निकाल रहे हो, दोनों ही केसेस में डेल्टा पी म्यू और एल क्या है, सेम है। तो देखो मैं ये बोल सकता हूँ पाए डेल्टा पी अपॉन 8 टाइम्स म्यू एल, ये दोनों के लिए क्या है, सेम है, इंटू आर की पावर 4, ठीक है। अब बताओ ये वैल्यू कितनी थी, पाए डेल्टा पी 8 म्यू एल 50/2 की पावर 4, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 50/2 की पावर 4 इंटू, अब इस वाले बी पाई पाइप की डायमीटर कितनी है 1, तो रेडियस कितनी होगी, सॉरी 2, तो रेडियस कितनी हो गई 1 की पावर 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया 50/2 की पावर 4, तो 3 के आसपास कुछ बैठ रहा है क्या, 50/2 की पावर 4, तो ये क्या हो गया 3.125 यूनिट क्या हो गई, लीटर्स पर सेकेंड, ठीक है यही आंसर है क्या, ठीक है यूनिट्स का खास करके ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ठीक है, कि यूनिट्स क्या आ गई लीटर पर सेकेंड में आ गई, और मेरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया, आराम से सॉल्व हो गया। समझ में आया नहीं आया, इसको एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फिर से कर लेना। गेट 2018 में पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक हेट्रोजीनस रेक्टेंगुलर रॉक है, हेट्रोजीनस बोलने पर क्या हो गया, अलग अलग लेयर्स मेरे पास बन गई, और उन्होंने बोला कि हर लेयर की क्या है प्रोबेबिलिटी अलग अलग है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है इसका वो 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है, ठीक है, और बोला है कि क्रॉस सेक्शन मतलब मुझे फ्लोरेट किसके किसके बीच में निकालना है, इस डायरेक्शन का फ्लोरेट दिया हुआ है, मतलब क्रॉस सेक्शनल AA टू CC डैश निकालना है, ठीक है। अब उन्होंने यहां पे क्या दिया, यहां पे बोला प्रेशर 2 बार, यहां पे 1.5 बार और यहां पे 1 बार, तो ऑब्वियसली यहां से भी क्लियर हो गया कि फ्लो कहां होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो डायरेक्शन क्या है फ्लो का, इससे मतलब AA डैश से CC डैश की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। अब मुझे क्या किया, इन कोर मतलब ये जो सेक्शंस हैं उनकी डायमेंशंस भी बता दी, ठीक है। अब मुझे बताया पूछा है कि बताओ परमिबिलिटी क्या होगी, इफेक्टिव परमिबिलिटी ए और सी के बीच में, ठीक है। अब समझो हमने 10th 12th में JEE वगैरह के प्रिपरेशंस के ड्राइंग में रिजर्वायर रेजिस्टेंस के सवाल सॉल्व किए थे, ठीक है, ये कुछ उस तरीके से लग रहा है। अब समझो क्योंकि फ्लूड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो पहले फ्लूड क्या होगा इस डायरेक्शन यहाँ पे बहेगा और यहाँ से इस लेयर के अक्रॉस फिर इस लेयर पे आएगा, फिर ये इस लेयर से बाहर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले इस लेयर पे अगर कंसंट्रेट करूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों लेयर्स आपस में क्या है, पहले एवरेज है, पैरेलल है, फिर ये लेयर्स आपस में पैरेलल है, मतलब इसका अगर मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाऊँ तो देखो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैं पहले अगर मान लेते हैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि पहले मैं क्या करूंगा, ए है ये ए डैश है, ये बी है ये बी डैश है, ये सी है ये सी डैश है, तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इनकी परमिटिविटी वैल्यूज क्या आती हैं वो निकाल लेंगे। तो देखो क्योंकि ये दोनों लेयर्स क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि के एवरेज क्या होगा, के वन एच वन प्लस के टू एच टू अपॉन एच वन प्लस एच टू। हमने ऐसा क्यों किया पहले, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है, अगर डायरेक्शन ये होता तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते,
और फिर इन दोनों को सॉल्व करते, फिर एक लेयर ये बनती, एक लेयर ये बनती, फिर इन दोनों को लेयर की सॉल्विंग होती। लेकिन डायरेक्शन क्या क्या यहाँ पे ये कह दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि एवरेज इस जगह पे क्या हो गया, 1 × 1 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो 3 + 1 + 2 3/2, तो ये परमिटिविटी कितनी आ गई, 1.5। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 4 × 1 / 2, दैट इज 7/2, तो यहाँ क्या हो गया, 3.5 आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे पास अब सवाल क्या हो गया, 4 लेयर्स जो थी, अब उससे लेयर्स से 2 लेयर का सवाल हो गया, 1.5 3.5। ठीक है, ये ए है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और अब इनका इसका डायमेंशन टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 2 डायमेंशन का है और ये क्या है, 3 है। अब मुझे इस डायरेक्शन में फ्लो बताना है। ठीक है, अब मुझे इसको एवरेज करना है, मतलब मुझे इसको कुछ ऐसे में लेके आना है। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये के एवरेज हो गया। तो अगर मैं अब इसमें ध्यान दूं, तो ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है, करेक्ट है, सीरीज में है, और ये लीनियर फ्लो है। ठीक है, लीनियर फ्लो है, तो मैं के एवरेज यहां पे क्या बोल सकता हूं कि के एवरेज विल बी इक्वल टू एल टोटल अपॉन L1 / K1 + L2 / K2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5 अपॉन L1 कितना है, L1 है 2 अपॉन K1 कितना है, 1.5, L2 कितना है, 3 और K2 कितना है, 3.5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 / 1.5 + 3/3.5, दैट इज 2.19 आ गया। तो ये कितना हो गया, 5/आंसर, दैट इज 2.28 mD। मतलब ये के कितना आ गया, 2.28, और यही हमसे क्या किया है, पूछा है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो गया हमारे साथ, हमें एक चीज की ध्यान क्या रखनी थी कि पहले जो डायरेक्शन दिया हुआ है उस डायरेक्शन के अलोंग हमें पहले क्या है, फ्लो इसके अक्रॉस पूछना है। तो इसका क्या करेंगे, पहले एवरेज निकाल लेंगे। तो एक अब लेयर, 4 लेयर से, ये 2 लेयर से भी क्या हो गया, 1 लेयर बन गया। वैसे क्या करेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। तो 4 लेयर से अब मैं 2 लेयर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को, और फिर इन दोनों का एवरेज कर देंगे। तो के एवरेज मेरे पास क्या आ जाता है, 2.28। क्वेश्चन नंबर 41, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सवाल है अभी तक जो गेट ने पूछा है। ठीक है, इस सवाल की खासियत क्या है कि इसमें 3 टॉपिक्स रिजर्वायर इंजीनियरिंग के कवर किए गए हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पूरे सवाल में मैं ये नहीं बोल सकता कि अभी तक सिर्फ जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस सवाल को अभी देखेंगे ज़रूर। हम इसमें देखेंगे कि कौन और टॉपिक्स हैं जिनके सवाल या कंसेप्ट यूज़ किए गए, और फिर इस सवाल को हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, अब फिर जब पूरी रिजर्वायर इंजीनियरिंग हम पढ़ लेंगे तब ये सवाल एक बार और हम देखेंगे। देखो पहले ही बता दूँ, इस सवाल में जो कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं, इसमें रिजर्वायर फ्लूड प्रॉपर्टीज़ के कंसेप्ट यूज़ हैं, इसमें रिजर्वायर प्रेशर मेजरमेंट्स के कंसेप्ट यूज़ हैं, और इसमें वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन का कंसेप्ट भी यूज़ है, और जो रॉक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट भी इसमें यूज है। तो ऑल टुगेदर इस पूरे सवाल में आप देखोगे 4 डिफरेंट टॉपिक्स के कंसेप्ट यूज करके ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, और ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को हम बिल्कुल आराम से देखते हैं। ठीक है, पहले हम नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या डाटा दिया हुआ और क्या पूछा गया है, ये सवाल समझ लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, देखो मेरे पास एक ड्राई कोर सैंपल दिया हुआ है जो लेबोरेटरी में आया। ठीक है, एक ड्राई कोर सैंपल जिसके अंदर क्या है, अभी तक फ्लूड के पोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, और वो फ्लूड को मैंने सब्जेक्ट किया मरकरी इंजेक्शन से।
ठीक है, मतलब अभी वो ड्राई है, मतलब उसके अंदर हवा है, एयर हो सकती है, गैस हो सकती है, लेकिन वो उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है। वो उसमें मैंने इंजेक्ट क्या कर दिया, मरकरी इंजेक्ट किया इन लेबोरेटरी, एंड फॉलोइंग डाटाज आर ऑब्टेन। ठीक है, उस कोर सैंपल की पोरोसिटी दे दी मुझे 0.2, पोरोसिटी मान लो दे दी क्वेश्चन नंबर 0.2। ठीक है, अब फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, दोस्तों समझ में आता है फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर क्या है? ये हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज में। बस एक बार अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ये कैसा फैक्टर है जो रिजर्वायर वॉल्यूम को सरफेस वॉल्यूम से रिलेट करता है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी मुझे, 1.2। तो मैंने कहा बी नॉट कितना दे दिया मुझे, 1.2 रिजर्वायर बैरल्स पर एसटीबी। ठीक है, फिर मैं किसकी बात करता हूँ, फिर मुझे क्या दे दिया, एपीआई ग्रेविटी। एपीआई ग्रेविटी समझते हो, ये वापस हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ऑयल की क्या करता है, डेंसिटी को बताता है। ठीक है, तो एपीआई ग्रेविटी ऑयल का कितना दे दिया मुझे, 32। ठीक है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर दे दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर समझते हो दोस्तों, हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ, मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो दिया हुआ है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू लाइक डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, मतलब ये जो वाटर है जिसकी डेंसिटी 1.1 दी हुई है, ये क्या हो गया है, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, इसमें सॉल्ट डिजॉल्व है। अगर ये नॉर्मल वाटर होता तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती, 1, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज या सॉल्ट डिजॉल्व है, तो इसकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ रही है, 1.1। तो ये भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, 1.1। ठीक है, फिर हाइड्रोस्टेटिक ग्रेडियंट ऑफ वाटर, मतलब ये क्या है, प्योर वाटर का हाइड्रोस्टेटिक ग्रेडियंट दे दिया, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर पर यूनिट डेप्थ, प्रेशर का जो चेंज आ रहा है। तो मैं बोलता हूं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो मुझे कितना दे दिया, 0.433 PSI पर फीट, ये भी दे दिया। अब मुझे क्या है, इंटरफेशियल टेंशन दिया है ऑयल वाटर के बीच में, तो ऑयल वाटर मेरा क्या है, रिजर्वायर का फ्लूड है, और कॉस थीटा के साथ उसकी वैल्यू कितनी दी है, 26 dyne per cm। तो ऑयल वाटर क्या है, रिजर्वायर फ्लूड है। ठीक है, रिजर्वायर फ्लूड है, तो क्या हो गया, सिग्मा ऑयल वाटर कॉस थीटा इज गिवन 26। ठीक है, फिर एयर और मरकरी के बीच में इंटरफेशियल टेंशन दे दिया, जो कि क्या है, एयर मरकरी क्या है, लेबोरेटरी फ्लूड है, और उसका इंटरफेशियल टेंशन कितना दिया हुआ है, 367। तो एयर मरकरी कॉस थीटा जो मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 367। अब मुझे और क्या दे दिया, मुझे ड्रेनेज एरिया बता दिया। ठीक है, और वो एकर्स में है, और एकर पर फीट टू बैरल का कोरिलेशन भी दे दिया, कन्वर्जन फैक्टर भी दे दिया। अभी के लिए हम बस एरिया लिख लेते हैं, एरिया क्या हो गया, 80 acres हो गया, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे गिवन है। तो डाटा क्या क्या गिवन है वो हम समझते हैं, फिर उसने क्या बोला समझना। ठीक है, तो द टेबल शोज लेबोरेटरी डाटा ऑफ कैपिलरी प्रेशर एट डिफरेंट मरकरी सैचुरेशंस। तो अब अगर इस टेबल को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि मुझे कैपिलरी प्रेशर दिया हुआ है लेबोरेटरी कंडीशंस पे एट डिफरेंट सैचुरेशंस ऑफ मरकरी। ठीक है, एट डिफरेंट सैचुरेशंस ऑफ मरकरी, मतलब अगर जैसे जैसे सैचुरेशन देखो मरकरी का बढ़ रहा है, ठीक है, कैपिलरी प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मरकरी का सैचुरेशन क्या हो गया, 0.85 हो गया, तब जब मैं एयर को और डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो एयर को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे कैपिलरी प्रेशर कितना देना पड़ रहा है, 2000 PSI प्रेशर देना पड़ रहा है। तो ये मेरे पास मान लो एक कैपिलरी प्रेशर का डाटा है। ठीक है, अब वो मुझे कह क्या रहा है, मुझे बोल रहा है कि हमें ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकालना है फॉर प्रोडक्टिव कॉलम वेयर SW इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। ठीक है, मतलब मुझे ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकालना है फॉर वाटर सैचुरेशन लेस देन इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो देखो समझना एक बात को, अगर मैं बोलूं कि मान लेता हूं कि ये मेरा एक मिनिमम वाटर सैचुरेशन है, दैट इज कोनेट वाटर सैचुरेशन है। ठीक है, अब वो मुझे क्या बोल रहा है, ये मान लो मेरा WC है,
तो मुझे पता है कि जैसे जैसे हम ये, और ये मेरा क्या है ऑयल जोन है, जहाँ पे वाटर क्या है अपने कोनेट वाटर सेचुरेशन पे है, और यहाँ पे वाटर क्या है 100% सेचुरेशन पे है, ठीक है। तो वो मुझे क्या बोल रहा है कि मुझे बोल रहा है कि आपको निकालना है प्रोडक्टिव ऑयल, ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस फॉर वाटर सेचुरेशन ग्रेटर देन 0.5, ठीक है, फॉर लेस देन इक्वल टू 0.5। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ वाटर सेचुरेशन, कि यहाँ पे वाटर सेचुरेशन की वैल्यू कितनी है 50%, ठीक है, तो मुझे जो ऑयल इन प्लेस निकालना है वो कितना निकालना है, इन दोनों के बीच का ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकालना है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मुझे हाइट एक्चुअली समझ में आ रही है बात। सवाल इसने क्या पूछा, सवाल में इसने मुझे बहुत सारा डाटा दे दिया, हर चीज का डाटा दे रखा है, और मुझसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस हमें निकालनी है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, इतने रीजन तक। और मान लेते हैं ये बोल रहा है कि एवरेज वाटर सेचुरेशन ऑफ द प्रोडक्टिव जोन जो है वो कितना है, 0.25 है, 0.25 है प्रोडक्टिव का, एवरेज कर दिया। तो एवरेज का ऑयल सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाटर सेचुरेशन, दैट इज 0.75, ये हो गया ऑयल सेचुरेशन। तो मैं बोल सकता हूं ऑयल सेचुरेशन जो मेरे पास एवरेज है प्रोडक्टिव जोन का वो कितना है, 0.75 है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इस सवाल को देखो हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले जैसे ही इसने मुझे ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकालने बोला, ठीक है, ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकालने बोला, तो मैं ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकालता हूँ। ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया, एरिया कितना है उस रिजर्वायर का, उस रिजर्वायर की थिकनेस क्या है, ये क्या मुझे दे रहा है, बल्क वॉल्यूम, इनटू पोरोसिटी, ये मुझे क्या दे देता है, पोर वॉल्यूम, इनटू ऑयल का सेचुरेशन, इनिशियल ऑयल का सेचुरेशन या एवरेज ऑयल सेचुरेशन, ये मुझे क्या दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल दे रहा है एट रिजर्वायर कंडीशंस, अपॉन क्या कर दिया, बीओ, फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। तो अब मुझे क्या आ गया, मेरे पास ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस आ गया, ठीक है। अब ओरिजिनल ऑयल प्लेस निकालना तो बहुत आसान था, मैं देखता हूँ एरिया मुझे गिवन है, ठीक है, हाइट मुझे गिवन नहीं है, मतलब ये हाइट कितनी है ये मेरे लिए अननोन है अभी के लिए, ठीक है। अब पोरोसिटी मुझे गिवन है, सेचुरेशन ऑफ ऑयल मुझे गिवन है, बी नॉट मुझे गिवन है, मतलब मेरे लिए अगर मैं ऑयल इन प्लेस निकालने जाऊं तो मेरे लिए एक ही अननोन है, और वो अननोन क्या है, एच, ठीक है, इस एच को मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एच को देखो अब हम कैसे निकाल रहे हैं, बात को समझना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं। देखो पहले एयर जो मेरे पास था, या पहले सेचुरेटेड किससे किया हुआ है, एयर से किया हुआ है, और मरकरी को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मरकरी को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो मरकरी मेरे पास क्या हो गई, नॉन वेटिंग फ्लूड है, मरकरी क्या है, नॉन वेटिंग फ्लूड है, और एयर क्या है, वेटिंग फ्लूड है, पहली चीज। दूसरी बात समझने लायक, अभी मुझे लेबोरेटरी के कैपिलरी प्रेशर डाटा को कहाँ कन्वर्ट करना है, रिजर्वायर के कैपिलरी प्रेशर डाटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि रिजर्वायर में क्या है, ऑयल और वाटर है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है कि ऑयल वेटिंग है या वाटर वेटिंग है, लेकिन हम जनरली मान लेते हैं वाटर इज द वेटिंग फ्लूड, तो मेरे लिए यहाँ पे क्या है, वाटर क्या है, वेटिंग फ्लूड है, और ऑयल क्या है, नॉन वेटिंग फ्लूड है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक कैपिलरी प्रेशर डाटा बनाते हैं रिजर्वायर कंडीशंस के लिए, क्योंकि मुझे जो हाइट चाहिए वो कहाँ चाहिए, रिजर्वायर पे चाहिए, ना कि लेबोरेटरी पे चाहिए, ठीक है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, मैं एक टेबल बना लेता हूं यहां पे, ठीक है, सपोज करते हैं कि मैंने एक टेबल बना रहा है, ठीक है, इस टेबल पे मुझे सपोज कैपिलरी प्रेशर दे दिया, पीसी दे दिया लेबोरेटरी का, ठीक है, और सेचुरेशन नॉन वेटिंग फ्लूड जो है वो मरकरी है, मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। अब मैं दो चीजें इधर और बना लेता हूं, क्या मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं पी सी मुझे रिजर्वायर का चाहिए, ठीक
ठीक है, और क्योंकि यहां मैंने वेटिंग नॉन वेटिंग फ्लूड लिया है जो मरकरी है, तो मेरे लिए नॉन वेटिंग फ्लूड यहां पे क्या है, ऑयल है। ठीक है, अब एक बात, जब हम रिलेट कर रहे हैं कैपिलरी प्रेशर डाटा को लैबोरेटरी से रिजर्वायर के लिए, तो जिस सेचुरेशन पे मैं यहां निकालूंगा उन्हीं सेचुरेशन पे रिजर्वायर कंडीशंस पे भी कैपिलरी प्रेशर क्या होगा, निकलेगा। तो कैपिलरी प्रेशर अगर आप देखोगे यहां पे किस पे दिया हुआ है, 10 17 13 108 2000, दैट इज मान लेते हैं 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब यहां पे जो कैपिलरी प्रेशर दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 10 17 30 108 एंड 2000, 10 17 30 2000 एंड 108। और कैपिलरी प्रेशर जो दिया हुआ है वो कितने कितने पे दिया हुआ है, 0.075, 0.0075, 0.25, 0.5, 0.7, 0.85। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं सैचुरेशन ऑयल का भी जो निकालूंगा कैपिलरी प्रेशर रिजर्वायर कंडीशंस पे, मैं इन्हीं सैचुरेशंस पे निकालूंगा, दैट इज 0.0075, 0.25, 0.5, 0.7 एंड 0.85। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, तो हमने देखो एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो इक्वेशन क्या थी, मुझे पता है कि पी सी रिजर्वायर इज इक्वल टू पी सी लेबोरेटरी, ठीक है, इंटू सिग्मा ऑयल वाटर या फ्लूड बिटवीन ऑयल वाटर कॉस थीटा अपॉन सिग्मा एयर मरकरी कॉस थीटा, लिबर में जो फ्लूड है, तो सिग्मा पी सी लैब इंटू सिग्मा कॉस थीटा फॉर ऑयल वाटर कितना दिया हुआ है, 26, और ये कितना दिया हुआ है, 367। ठीक है, अब मुझे पीसी क्या करना है, रिजर्वायर निकालना है। तो देखो जब पीसी रिजर्वायर लेबोरेटरी पे 10 है तो मैं निकाल सकता हूं 10 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 367, तो ये कितना आ जाता है, 0.708। ठीक है, 26 डिवाइडेड बाय 367 करके रख लेते हैं। ठीक है, अब जब मैं 17 के लिए निकालूंगा तो इंटू 17, दैट इज 1.204। ठीक है, अब जब मैं निकालता हूं 30 के लिए तो इंटू 30, दैट इज 2.125। ठीक है, अब जब मैं निकालता हूं इसको किसके लिए, 108 के लिए, 108 के लिए, तो ये हो गया 7.65। ठीक है, फिर इसको निकाल लेते हैं 2000 के लिए, तो दैट इज 141.69। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, बड़ी आसानी से हमने क्या किया, पहले कैपिलरी प्रेशर डाटा जो लैबोरेटरी के लिए था, अब हमने क्या किया, अलग अलग ऑयल सेचुरेशंस के लिए कैपिलरी प्रेशर डाटा निकाल लिया रिजर्वायर कंडीशंस के लिए। मैंने किसी और सेचुरेशन पे क्यों बात नहीं की, क्योंकि उस सेचुरेशन के लिए मुझे कैपिलरी प्रेशर लैबोरेटरी पे नहीं पता। अब अगर वो चीज़ नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, लैबोरेटरी पे रिजर्वायर कंडीशंस पे वो पता नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास सपोज करते हैं कि ये डाटा आ गया अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे कैपिलरी प्रेशर डाटा से जब मेरे पास आ गया, मैं हाइट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैपिलरी प्रेशर इज इक्वल टू सपोज रो जी एच होता है, या एच डेल्टा रो बाय कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, अब कैपिलरी प्रेशर डाटा से मैं, मुझे पता है कि मैं क्या कर लूँ, मुझे पता है पी सी इज इक्वल टू डेल्टा रो एच बाय 144 होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या कहता है, देखो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि मुझे जो हाइट चाहिए वो देखो, वो किसके किसके बीच में चाहिए, एक बात समझना, फॉर ऑयल सेच उसने क्या बोला था, वाटर सेचुरेशन लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए,
0.5, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑयल सेचुरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0.5 होगा, तो इसके बीच में ही तो हाइट बोली है, लेस देन बोल दो वाटर के 0.5 या बोल दो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, बिकॉज ऑयल सेचुरेशन प्लस वाटर सेचुरेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इक्वल टू ग्रेटर देन, तो इक्वल टू पे ये प्रेशर है और ग्रेटर कहां तक जा रहा है 0.85 तक, तो ये कोनेट वाटर की वैल्यू एक तरीके से मैं क्या बोल दूं 0.85 है, ठीक है, तो मुझे जो अब सैचुरेशन चाहिए वो जो हाइट चाहिए वो इन दोनों के बीच में चाहिए थी, ठीक है, तो एक बार जब मैं हाइट निकालूंगा वो मैं ये पीसी लेके निकालूंगा, तो ये मुझे मान लो ये मुझे कहां देता है, ये H1 दे रहा है 50% सैचुरेशन पे, जब ऑयल सैचुरेशन कितना है 50%, अब जब ऑयल सैचुरेशन 50% के ऊपर है दैट इज इक्वल टू 0.85 मैक्सिमम ऑयल सैचुरेशन है, उसके नीचे तो तुम पानी हटा ही नहीं सकते, मतलब इस ऑयल जोन में भी वाटर सैचुरेशन कितना है 0.15, इससे कम तो है नहीं, तो एवरेज क्या था 0.25 था, तो यहां पे अब मैं पीसी वापस निकालूंगा, ये मुझे क्या देगा H2 देगा, ये मुझे H2 देगा, तो मुझे क्या चाहिए डेल्टा एच चाहिए, दैट इज H1 - H2 कह लो या H2 - H1 कर लो कुछ भी, दैट इज डेल्टा एच चाहिए पॉजिटिव में, वो ही मुझे ओरिजिनल ऑयल रिप्लेस देगा, ठीक है, तो अब जब मैं ये निकालने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ कि ऑयल सेचुरेशन 50% के लिए निकालना है, तो उस समय कैपिलरी प्रेशर कितना दिया हुआ रिजर्वायर कंडीशंस पे 2.125, ठीक है 2.125 दिया हुआ है, तो मैं बोलता हूं कैपिलरी प्रेशर 2.125 psi इज इक्वल टू रो ऑफ कितना लेंगे वाटर माइनस रो ऑफ ऑयल इनटू ये मुझे क्या देगा H1 अपॉन 144। अब रो ऑफ ऑयल और रो ऑफ वाटर कहां से आएगा, ठीक है, तब एक नया कंसेप्ट, इन्होंने मुझे क्या दिया हुआ यहां डाटा दिया है रो ऑफ वाटर एंड रो ऑफ ऑयल चाहिए, ठीक है, API ग्रेविटी दे दी ऑयल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है वाटर की, तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, अब मैं क्या बोल सकता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 62.4 वो लेंगे, ये क्या है मान लो ये फॉर्मेशन वाटर है तो 1.1 × 62.4, तो ये कितनी आ गई डेंसिटी ऑफ जो गिवन फॉर्मेशन वाटर है फॉर्मेशन वाटर तो 1.1 × 62.4 दैट इज 68.64 lb/ft³। अब API ग्रेविटी दी हुई है ऑयल की, तो देखो API ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 141.24 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल माइनस 131.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है दैट इज अब API ग्रेविटी कितनी दी हुई 32 इज इक्वल टू 141.1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल माइनस 131.5, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितनी आ गई 131.5 प्लस 32 एंड 141.1 डिवाइडेड बाय आंसर दैट इज 0.862 ये 4, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आ गई तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो 8 × 62.4 तो ये कितना आ गया 53.85, ठीक है, तो अब यहां लिखो 2.125 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 68.64 माइनस 53.85 इंटू H1 अपॉन 144, तो H1 कितना आ गया बताओ 2.125 × 144 डिवाइडेड बाय 68.64 माइनस 53.85, तो H1 आ गया 20.69 मान लो फिट, वैसे ही H2 निकाल लें, अब H2 कहाँ निकलेगा H2 कहाँ निकलेगा H2 निकलेगा एट
ऑयल सेचुरेशन इज इक्वल टू 85, तो यहाँ पे पी सी कितना दिया हुआ 141.69। तो फिर वापस से यही इक्वेशन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, यही इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। इसी इक्वेशन पे अब पी सी की वैल्यू कितनी होगी 141.69 इज इक्वल टू डेल्टा रो, यही हो जाएगा, दैट इज 68.64 माइनस 53.85, दैट इज 14.79 इंटू एच टू बाई 144। तो एच टू कितना आ गया, इंटू 141.69, दैट इज 1379.53 फीट। तो डेल्टा एच कितना हो गया, एच टू माइनस एच वन, दैट इज माइनस 20.69, दैट इज 1358.8। ठीक है, अब निकाल लो ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आ गया डेल्टा एच, ठीक है, अब ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस कितना है, इन प्लेस ए एच फाइव एस ओ आई अपॉन बी ओ आई। तो एरिया कितना दिया हुआ है 80 एकर्स, ठीक है, इंटू 43560, ये किसमें हो गया, फिट में बदल गया, डिवाइडेड बाय 5.615 कर दिया, ये किसमें बदल गया, बैरल्स में बदल गया, इंटू हाइट कितनी है, कितनी आई है अभी हाइट हमारी, दैट इज 1358.85 इंटू पोरोसिटी 0.2 इंटू ऑयल सेचुरेशन 0.75 था ना, ऑयल सेचुरेशन वॉज 0.75, ठीक है, 0.75 अपॉन बी ओ आई वॉज 1.2, ठीक है, तो देखो कितना आ गया, दिस इंटू 80 इंटू 7758 इंटू 0.2 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 1.2, दैट इज समथिंग, ये आ गया डिवाइड कितने टर्म्स में, दैट इज 1054.19391 बैरल्स, ठीक है, कितने यूनिट्स में पूछ रहा है, इन मिलियन पर एसटीवी पूछ रहा है, तो डिवाइड कर दें 10^-6 से, -6, दैट इज 105.419 बैरल्स, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ओके, गॉट इट, दिस इज योर आंसर। तो यहां क्या हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल था, एक टाइम टेकिंग सवाल था, ठीक है, और इसमें काफी कंसेप्ट यूज हो रहे थे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करी, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, फिर मेरे पास क्या हुआ, रिजर्वायर रॉक प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट लगे, ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने फिर रिजर्वायर फ्लूड प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट यूज किए, ठीक है, और यहीं पे हमने यूज किया वापस से प्रेशर मेजरमेंट के कंसेप्ट भी कुछ, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके वापस से वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करके हमने क्या किया, ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस निकाला, एक बहुत ही अच्छा सवाल जो हमने आराम से गेट में हमें क्या करेगा, 2 नंबर देगा, बस में आ रही है, ठीक है। गेट में एक सवाल था और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, इसमें हम 2-3 कंसेप्ट यूज करके इसको बना रहे हैं और बहुत आसानी से समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी और वाटर सैचुरेशन का कर्व दिया हुआ है। अब एक्स क्या है, सॉलिड लाइन है, और वाई क्या है, डैश लाइन है। आर्ट सोन इन द वाटर सैचुरेशन इज अ फ्रैक्शन, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेटेबिलिटी और कंसोलिडेटेड नेचर ऑफ द टू रॉक्स, ठीक है। अब देखो मैं ऑप्शन नहीं देना चाह रहा, मैं ये देख रहा हूं कि वेटेबिलिटी और कंसोलिडेट नेचर ऑफ द रॉक को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है। तो पहले क्या करता हूं, मैं मान लो कंसोलिडेटेड नेचर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। तुमको याद है कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हो गया, ग्रेन्स आपस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली क्या है, पैक्ड है, ठीक है। कंसोलिडेटेड मतलब क्या है, बढ़िया से पैक्ड है। तो बढ़िया से पैक्ड अगर है तो परमिबिलिटी क्या है, कम है।
अगर अनकंसोलिडेटेड होते तो परमिबिलिटी क्या होती, ज्यादा होती। तो परमिबिलिटी अगर कम है तो देखो, याद है हमने एक बात करी थी कि परमिबिलिटी ऑफ द रॉक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सैचुरेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोनेट वाटर सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अगर परमिबिलिटी कम है तो अगर पहले मैंने एक रिजर्वायर मान लो पहले रॉक क्या था, पानी से भरा हुआ था, फिर ऑयल आके उसको माइग्रेट करने गया, तो जहाँ पे परमिबिलिटी उस रॉक की अगर ज़्यादा होगी तो ऑयल को उस वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए कम प्रेशर लगा होगा, ठीक है, इस वजह से वो ज़्यादा उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ऐसी कुछ बातें कर रहे थे हम, ठीक है ना, ऐसी हम कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है, तो है ना कि उसको कम डिस्प्लेस कर पाया होगा और इस वजह से क्या है कि वो ज़्यादा मतलब डिस्प्लेस नहीं हुआ होगा या कम डिस्प्लेस कर पाया होगा तो वहाँ पे ज़्यादा पानी रह गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर परमिबिलिटी कम है तो मैं मान के चल रहा हूँ कोनेट वाटर सैचुरेशन उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पढ़ा था, तो कोनेट वाटर सैचुरेशन अगर ज़्यादा होगा तो अगर मैं ये दो लाइन्स की बात करूँ, डैश ये क्या है, ये एक्स है और ये क्या है, ये वाई है, सॉलिड लाइन एक्स है और डैश लाइन वाई है। तो मुझे पता है यहाँ पे कोनेट, यहाँ पे क्या है, कोनेट वाटर कम है, मतलब कोनेट वाटर सैचुरेशन ऑफ एक्स इज लेस देन कोनेट वाटर सैचुरेशन ऑफ वाई, ठीक है। अगर इसका कोनेट वाटर सैचुरेशन कम है मतलब यहाँ पे ऑयल ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है, तो कह सकता हूँ कि एक्स की क्या है, परमिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है y की परमिबिलिटी से, करेक्ट है ना। अगर y का कोनेट वाटर सैचुरेशन ज्यादा है तो परमिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, परमिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो x की परमिबिलिटी अगर ज्यादा है y से तो कंसोलिडेटेड कौन ज्यादा होगा, तो y क्या हो गया, ज्यादा कंसोलिडेटेड हो गया और x क्या हो गया, कम कंसोलिडेटेड हो गया। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा हूं कि देखो परमिबिलिटी को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं कोनेट वाटर से। हमने कहा कोनेट वाटर यहाँ कम है मतलब यहाँ वाटर ऑयल क्या है, ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है, तो ऑयल ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ तो एक्स की परमिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। एक्स की परमिबिलिटी अगर ज़्यादा है तो ग्रेन क्या है, अनकंसोलिडेटेड है। वहीं पर वाई की परमिबिलिटी अगर कम है, वाई की परमिबिलिटी कम है तो ग्रेन क्या है, कंसोलिडेटेड है। तो वाई क्या हो गया मेरे पास, कंसोलिडेटेड हो गया और एक्स क्या हो गया, अनकंसोलिडेटेड। ये दो चीजें आ गई मेरे पास, तो मैं बोलूंगा वाई इज मोर कंसोलिडेटेड। तो ये तो ऑप्शन मेरे पास, दो ऑप्शन कौन से आ सकते हैं, एक तो ये हो सकता है एक्स इज लेस कंसोलिडेटेड, एक्स इज लेस, मतलब सी और डी में मेरे पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, ए और बी तो क्या हो गया, क्रॉस हो गए, ठीक है। अब वेटिंग नेचर देख लेते हैं, अब वेटेबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे। तो वेटेबिलिटी के लिए मैंने कहा था, ठीक है, वेटेबिलिटी के लिए क्या कहा था कि अगर मेरे पास सपोज करते हैं ऑयल वेट वाटर वेट रॉक है तो मैं क्या बोलूंगा, वाटर वेट रॉक में रिकवरी क्या होगी, ज्यादा होगी और ऑयल वेट रॉक में रिकवरी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ऑयल वेट रॉक में ऑयल क्या करेगा, रॉक सरफेस से चिपक के रहना चाहेगा। अब समझो यहां पे दो वाटर सैचुरेशन इन्होंने दे रखे हैं, तो x क्या हो रहा है, x में ज्यादा पानी रह रहा है, x में ज्यादा पानी है, ठीक है। तो ऑयल क्या हुआ है, कम है। यहां पे अगर मैं बोलूं x का जो x में सैचुरेशन है वो क्या है, मान लो x का सैचुरेशन 0.6 है तो ऑयल कितना रह गया x में, मान लो 0.4 रह गया। वहीं पे y का सैचुरेशन मान लो 0.7 है तो y में ऑयल कितना रह गया, 0.3, ठीक है। अब दोनों ही मान लो सेम जगह से स्टार्ट अगर कर रहे थे, सेम सैचुरेशन से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ऑयल की यहां पे y क्या कर रहा है, ज्यादा रिकवरी दे रहा है और ऑयल क्या कर रहा है, x क्या कर रहा है, कम रिकवरी दे रहा है, कम रिकवरी दे रहा है। तो x की क्या है रिकवरी, क्या है रिकवरी फैक्टर, क्या है, कम है x की, और y का रिकवरी फैक्टर क्या है, ज्यादा है। तो अगर y का रिकवरी फैक्टर ज्यादा है तो y क्या हो गया, वाटर वेट हो गया। तो y मेरे पास क्या हो गया, y इज मोर कंसोलिडेटेड एंड वाटर वेट,
तो एक्स क्या हो गया? मिक्स्ड वेट हो गया। आंसर क्या हो गया? सी। गेट 2018 में एक सवाल आया, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या हो, इसी तरीके से समझते हैं। इसमें मान लो मेरे पास क्या बोल रहे हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर में मेरे पास मान लो एक लिक्विड फेज है और एक वेपर फेज है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास बेंजीन है और टोलीन है, ठीक है। तो मान लो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, कुछ बेंजीन्स बना देता हूँ। ये मान लो बी वाले क्या है, बेंजीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ टोलीन्स बना देता हूँ। मान लो बेंजीन कुछ वेपर फेज में भी है, ठीक है, और वहीं पे क्या है, कुछ टोलीन्स भी हैं। तो ये कुछ टोलीन्स के मॉलिक्यूल्स बना दिए इन लिक्विड भी मैंने, और कुछ लिक्विड टोलीन्स के मॉलिक्यूल क्या हैं, वेपर में भी है, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये समझने के लिए हमने बना दिया कुछ टोलीन्स के मॉलिक्यूल्स, कुछ बेंजीन्स के मॉलिक्यूल इन लिक्विड फेज एंड इन वेपर फेज। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये समझना। तो एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर मान लो क्या है, फिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 4 एटीएम है, और टोलीन का जो वेपर प्रेशर है वो 1.2 है। तो देखो मैं क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे अब क्या बोल देता हूँ कि बेंजीन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 4 एटीएम, और मैं फिर क्या बोलता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ टोलीन इज 1.2 एटीएम। ये दो डाटा मुझे दे दिया। अब मुझे क्या बोला है, मुझे लिक्विड कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज 55 मोल्स ऑफ बेंजीन एंड 5 मोल्स ऑफ टोलीन। मतलब क्या बोल दिया मुझे कि लिक्विड में, लिक्विड में मतलब एक्स ऑफ बी, अगर मैं बात करता हूं, मैं बोलता हूं एक्स ऑफ बी, यहीं पे लिख देते हैं, एक्स ऑफ बी क्या दे दिया, 0.5, और वाई, सॉरी यहां क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी, ये भी कितना दे दिया, 0.5 दे दिया, ठीक है। मतलब दोनों में क्या है, यहाँ पे बेंजीन और टोलीन बराबर मोल फ्रैक्शंस में हैं, लेकिन वेपर इनमें दोनों बराबर होंगे ये सही बात नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि वाई बी और वाई टी, ये अभी मुझे पता नहीं है, और ये दोनों सेम होंगे ये भी गारंटी नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, मतलब डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ लगा लो आप, और आपको बताना है वेपर फेज ऑफ बेंजीन बताना है। मतलब आपको निकालना क्या है, आपको वेपर फेज ऑफ बेंजीन निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है, ठीक है। तब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब बताओ, ठीक है। तो देखो एक सवाल, एक इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, हम क्या करते हैं, हम पहले प्रेशर टोटल निकालते हैं ऑफ द लिक्विड सिस्टम। तो हम बोलते हैं पी टोटल, टोटल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टोलीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलीन इन लिक्विड फेज। तो ये क्या हो गया, 4 × 0.5 प्लस 1.2 × 0.5, तो P टोटल कितना आ गया मेरे पास, 2 + 0.6, दैट इज 2.6 एटीएम आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये टोटल आ गया PT जो हमको निकालना था, क्योंकि PT हमने क्यों निकालना है, क्योंकि हमें राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ यूज करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं निकालता हूं कि प्रेशर बेंजीन कितना लगा रहा है, मतलब जो फ्रैक्शन या प्रेशर जो लग रहा है वो बेंजीन कितना लगा रहा है और वो टोलीन कितना लगा रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलता हूं प्रेशर एग्जर्टेड बाय बेंजीन विल बी इक्वल टू, बेस्ड ऑन राउल्स लॉ, प्रेशर बिकॉज ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड टू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन लिक्विड। यही इक्वेशन है, देखो प्रेशर ऑफ बेंजीन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन लिक्विड फेज इन टू वेपर फ्रैक्शन प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट। तो मैंने यही चीज़ लिखी है यहाँ पे। तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ,
प्रेशर बिकॉज ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 0.5, और वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है 4, तो ये कितना हो गया 2 atm हो गया। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है yi, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन वेपर फॉर्म। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डाल्टन्स लॉ यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा डाल्टन्स, यूजिंग डाल्टन्स लॉ। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ बेंजीन नाउ अगेन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फॉर्म टू टोटल प्रेशर ऑफ बेंजीन, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। तो ये कितना आ गया, ये 2 atm है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फॉर्म हमको पता नहीं है, और पी टोटल कितना है 2.6। तो अब वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना हो गया 2/2.6, तो अब ये कितना आ जाएगा 2/2.6 दैट इज 0.769, ठीक है। तो अब अगर बेंजीन इतना आ गया, तो अब मैं बोलूंगा टोलिन कितना है 1-0.769 दैट इज, हालांकि ये नहीं पूछा जा रहा है मुझसे लेकिन निकाल देते हैं, दैट इज 0.231। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, दैट इज अगर हम गेट के सवाल में देखेंगे 0.77, मेरा कितना आ रहा था 0.679, दैट इज 0.77। तो बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आराम से वेपर प्रेशर किसका निकाल लिया, जो हमें पूछा गया है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये जो गेट में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आया कि ये इतना आसान सवाल है या इस तरीके से होगा, वो लैंग्वेज देख के ही कंफ्यूज हो गया कि 2 times बिल्डअप वगैरह लिखा है, क्या कहने का मतलब है। देखो समझते हैं, एन ऑयल वेल इन अ गिवन रिजर्वायर सब्जेक्टेड टू 2 pressure बिल्डअप टेस्ट, ठीक है, समझना कोई मतलब नहीं है लैंग्वेज से भी, समझना। एवरेज फॉर्मेशन थिकनेस जो दी हुई है 13 feet दे दी, हाइट कितनी दे दी 13 feet, टोटल कंप्रेसिबिलिटी जो है वो 1×10⁻¹⁵ psi ये दे दी, पोरोसिटी दे दी, ठीक है। द एवरेज फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर इज 1.3, ठीक है, एंड एवरेज रिजर्वायर प्रेशर फर्स्ट टेस्ट में देखो क्या है, P1 की वैल्यू क्या दे दी फर्स्ट टेस्ट में एंड सेकेंड टेस्ट में कितनी कितनी है 3500, और P2 क्या हो गया 3200 हो गया, ठीक है। तो DP मेरे पास क्या हो गया, DP क्या हो जाएगा P2-P1 हो गया, तो ये क्या हो गया 3200-3500, ये क्या आ गया -300 psi का चेंज आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से कितना दिन में ये प्रेशर ड्रॉप हुआ, 180 दिन में, ठीक है। तो अब बस हम सवाल लगा लेते हैं, हम वापस से यही क्वेश्चन लिखते हैं, हम बोलते हैं dP/dt इज इक्वल टू -Q/CTVP, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या बोल दूंगा, P2 P final -P initial, ठीक है, P1/T2-T1 मान लो, यही है, इज इक्वल टू -Q/CTVP। अब बस यूनिट बैलेंस करेंगे, ठीक है, ये मुझे पता है ये कितना आ गया -300 आ गया, कितने दिनों में 180 दिनों में, ठीक है। वापस क्या करो, यूनिट्स का बैलेंस करो, देखो इस साइड क्या दिया हुआ है PSI पर डे दे दिया है, अब ठीक है इस साइड। अब मैं क्यू क्या लिख देता हूँ, क्यू मुझे दिया हुआ है 250 STB पर डे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 250, ये कितना दिया हुआ है STB पर डे में। अब देखो यहाँ पे डे दिया है, तो मुझे 24 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था कांस्टेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, यहाँ पे आवर में देता तो 24 से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है तो याद नहीं करेंगे उस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, CT चाहिए, CT कितना है 1×10⁻¹, कितना हो गया डिवाइडेड बाय, मैंने कर दिया 1×10⁻¹, तो ये क्या हो गया, ये ऊपर में चला गया PSI, तो ये PSI कट गया, ∗ φ चाहिए, H चाहिए, φ कितना है 20%, H कितना है 13, तो ये कितना हो गया, φ हो गया 20×13। अब ये क्या है, फिट में दिया हुआ है,
और एरिया मैंने मान लो बोला फिट स्क्वायर है तो इनटू एरिया कर दिया, एरिया किसमें आ रहा है फिट स्क्वायर में। अब वापस से वही समस्या आ गई क्या कि ऊपर में एसटीबी बचा हुआ है नीचे में फिट क्यूब बचा हुआ है, तो इसको मैं अगर बी नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी नॉट से मल्टीप्लाई करके आरबी पर एसटीबी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है तो आरबी पर एसटीबी ले आते हैं, तो बी नॉट कितना दिया हुआ है, बी नॉट मुझे दिया है 1.3 रिजर्वायर बैलेंस पर डे, तो ये लिख दिया 1.3। ठीक है अब देखो एसटीबी एसटीबी कट गया, अब रिजर्वायर बैलेंस को किसमें कन्वर्ट करना है फिट क्यूब में, तो 5.615 फिट क्यूब हो गया, तो फिट क्यूब से फिट क्यूब कट गया इनटू क्या कर दिया 5.615 कर दिया। बहुत सिंपल, इन दोनों तरफ यूनिट क्या हो गई एलएचएस और आरएचएस में यूनिट क्या हो गई बराबर आ गई है। ठीक है अब बस सॉल्व करके एरिया निकाल लो, तो एरिया कितना आ रहा है देखो कितना हो गया, एरिया उधर गया तो 250 × 1.3 × 5.615 डिवाइडेड बाय 10^-5 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 300 × 180। ठीक है दैट इज 4211250 फिट स्क्वायर। तो वापस से एरिया में एक में कन्वर्ट करना, डिवाइड कैसे कर दें 4355560 से, दैट इज 966.77 एकड़ आ गया, दैट इज 77 एकड़। गेट में आंसर आराम से आ गया, इसमें वैल्यू कन्वर्जन फैक्टर्स वगैरह भी सारे के सारे क्या थे दिए हुए थे। अब देखो गेट में फिर एक सवाल इसी कंसेप्ट पे आया, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि वापस से हमें एक ऑयल रिजर्वायर दिया हुआ है, एक ऑयल रिजर्वायर दिया हुआ है और उसका कुछ एवरेज प्रेशर है जो कि बिलो बबल पॉइंट है। मतलब क्या हो गया, रिजर्वायर का प्रेशर जो है वो कम है बबल पॉइंट से। मतलब रिजर्वायर में क्या है, ऑयल है और गैस, फ्री गैस है। मतलब रिजर्वायर में क्या है, ऑयल है और फ्री गैस है। मतलब जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तब रिजर्वायर में ऑयल के साथ साथ फ्री गैस भी प्रोड्यूस होगी, तो सरफेस में जो गैस मुझे मिलेगी वो डिजॉल्व्ड गैस भी मिलेगी और फ्री गैस भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बोल रहा है कि ऑयल का प्रोडक्शन रेट कितना है 1000 STB पर डे है, तो वापस से डाटा कुछ लिख लेते हैं। ठीक है मेरे पास अभी ऑयल का रेट कितना है, तो मैं बोलता हूं क्यू ऑयल है 1000 STB पर डे। बहुत उसी तरीके का सवाल है, सेम कंसेप्ट पे है, और टोटल गैस प्रोडक्शन जो है वो है कितना 5 × 10^5 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है गैस का प्रोडक्शन, मतलब ये क्या बोल रहा है कि क्यू जी जो है वो 10^5 SCF पर डे, सॉरी ये भी मीटर क्यूब में है ना दोनों, हाँ ठीक है मीटर क्यूब ले रहे हैं। ठीक है तो मीटर क्यूब यूनिट रख लेते हैं। ठीक है तो ये क्या हो गया, ये मीटर क्यूब पर डे में है और गैस का वॉल्यूम भी मीटर क्यूब पर डे में ये बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम अपॉन रेट, और कंडीशन बता दी सरफेस की कंडीशन क्या है। अब बोला फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर दैट इज बी नॉट इज 1.2 और बी जी 0.1, तो इन्होंने क्या बोला कि बी नॉट जो है वो 1.2 है रिजर्वायर मीटर क्यूब अपॉन सरफेस मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है। और बी जी कितना है, बी जी वो बोल रहे हैं 0.01 है रिजर्वायर मीटर क्यूब अपॉन सरफेस मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रिजर्वायर प्रेशर पे वॉल्यूम और सरफेस प्रेशर पे वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंफॉर्मेशन और क्या बोली कि डिजॉल्व जी ओ आर जो है वो 10 है, कितना है वो क्या बोल रहे हैं कि डिजॉल्व आर एस जो है वो 10 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब ऑफ ऑयल और मीटर क्यूब ऑफ गैस, यही है आर एस, वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे एक सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि गैस फ्लो रेट बताना है एट रिजर्वायर कंडीशन। मतलब क्या पूछ रहे हैं कि आपको बताना है भैया कि क्यू जी क्या है एट रिजर्वायर कंडीशन, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है तो हमको क्यू जी बताना है रिजर्वायर पे, बहुत आसान है। अब देखो ये सरफेस पे है,
ठीक है, ये रेट क्या है सरफेस पे। अब सरफेस पे जो गैस आई है वो कहाँ से आई है, वो फ्री गैस से भी आई है और वो डिजॉल्व गैस से भी आई है। मुझे एक तरीके से रिजर्वायर कंडीशन में सिर्फ फ्री गैस चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि जी ओ आर अगेन इज इक्वल टू डिजॉल्व गैस प्लस फ्री गैस, ठीक है, तो डिजॉल्व गैस मेरे पास कितनी है, 10^5 है डिजॉल्व गैस, करेक्ट है ना, क्योंकि इतनी गैस मुझे क्या मिल रही है सरफेस पे मिल रही है, ठीक है, मतलब सीधे सीधी जी ओ आर है। अब डिजॉल्व कितनी है, तो डिजॉल्व में बोलता हूँ मेरे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ ऑयल क्या है इनटू आरएस क्या है प्लस क्यू जी क्या हो गई, फ्री गैस हो गई सरफेस कंडीशन पे। फ्री गैस कितनी हो गई सरफेस कंडीशन पे, तो ये कितना हो गया, ये मान लो 10^5, ये हो गया 1000 × 10, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस एट सरफेस कंडीशन आ रही है जो फ्री गैस है, ठीक है, तो फ्री गैस मेरे पास सरफेस से कितनी आ गई, मैं बोलता हूँ 10^5 माइनस ऑफ 10^4, तो देखो अब ये कितना हो जाएगा 10^5 माइनस 10^4, तो ये हो गया 90,000 मीटर क्यूब गैस आ गई एट सरफेस कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू जी सरफेस आ गया है मेरे पास। अब अगर क्यू जी सरफेस आ गया है भैया, तब क्यू जी रिजर्वायर निकालने में कहां बड़ी बात है, ठीक है, क्यू जी रिजर्वायर क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा बी जी इज इक्वल टू क्यू जी मान लो रिजर्वायर बाय क्यू जी सरफेस होता है, तो क्यू जी रिजर्वायर क्या हो जाएगा बी जी इंटू क्यू जी सरफेस, ठीक है, तो अब क्या हो गया ये क्यू जी रिजर्वायर कितना हो गया 90,000 × 0.01 दैट इज 900 m³ एट रिजर्वायर कंडीशन क्यू जी, यही तो निकालना था, तो 900 हो गया, 900 आ गया। अब देखो 900 धड़ल्ले से भर मत देना, गलत हो जाएगा निकालने के बाद भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा है समथिंग इंटू 10^3 m³ पर डे, बस में आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा 9 × 10^2 तो मेरा आंसर क्या है 9, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है, 16 एक अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना, जो गेट में आया था और बहुत ही आसान सवाल है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन कर्व, एक्सपोनेंशियल लिख दिया, ज़्यादातर सवाल एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन कर्व पे ही आते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन कर्व इज यूज टू एस्टिमेट द ऑयल रिजर्व्स ऑफ अ वेल, एक वेल का ऑयल रिजर्व्स निकालना है, ठीक है, द करंट ऑयल प्रोडक्शन रेट इज दिसना, तो मतलब क्यू आई कितना हो गया 1000 m³ पर डे हो गया, ईयरली डिक्लाइन दे दिया, डी दे दिया 6% ईयरली, ठीक है, इफ द मिनिमम ऑयल फ्लो इकोनॉमिकली सस्टेन, मतलब क्यू ए जो है वो मान लो 1 m³ पर डे अगर हो सकता है, ठीक है, तो बताना है रिजर्व्स इकोनॉमिकली एसोसिएटेड विद द वेल आर, मतलब इकोनॉमिकली सस्टेन रेट अगर हम कर रहे हैं तो रिजर्व्स बताने हैं मुझे, मतलब क्या कह दिया ग्राफिकल फॉर्म में अगर इसको भी देखोगे तो मुझे क्यू आई बोल दिया यहाँ पे 1000 m³ और यहाँ पे बोल दिया इकोनॉमिकल रेट 1। अब मुझे बोला है कि इतने टाइम पे ये जो रिजर्व्स हैं मतलब एरिया अंडर द जो कर्व है ये बताना है, ठीक है, डिक्लाइन रेट भी दे दिया, तो मैं सीधा सीधी यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखो ये चीज़ मुझे पूछी है तो मुझे क्यू पी क्या हो जाएगा क्यू आई माइनस क्यू ए अपॉन डी, तो क्यू आई कितना है 1000, यूनिट का ध्यान रखना m³ पर डे, ठीक है, माइनस 1, डिक्लाइन रेट कितना है 6%, तो 0.06 ईयरली है, तो ये क्या हो गया ईयरली है, बात समझ आ रही है, पर ईयर, तो ये ईयर चला गया ऊपर, तो इसको क्या कर दूंगा 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब ये ईयर क्या हो जाएगा डे में कन्वर्ट हो जाएगा, डे डे कट जाएगा, रेट किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा, तो मतलब क्या हो गया 999 × 365 / 0.06, तो ये कितना हो गया एक तरीके से मेरे पास
इसमें 10 की पावर 6 डिवाइड कर देना है, तो 10 की पावर 6 में डिवाइड कर दिया तो आ गया 6.077 मीटर क्यूब, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आराम से हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 17 की बात करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं डिक्लाइन कर दो, क्या करेंगे ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देंगे, बहुत सिर्फ सवाल ही बचे हैं, दो सवाल और बचे हैं, आज ख़त्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निपटा देंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। समझना, गिवन फ्लोइंग डाटा दिया हुआ है मुझे, इनिशियल रेट दिया हुआ है 1000 मीटर क्यूब। वापस से समझो कि मेरे पास क्या है कि 1000 मीटर क्यूब एक रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि डिक्लाइन रेट दे दिया 0.005 मतलब 5% पर मंथ, एक मंथ में कितना डिक्लाइन हो रहा है, 5% डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और हाइपरबोलिक डिक्लाइन मानने के लिए बोला है, क्या बोला है कि हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक में क्या हो रहा है, n की वैल्यू कंटिन्यूस, d की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि वो रेट डिपेंडेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है, प्रिडिक्ट करना है फ्लो रेट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद मुझे रेट बताना है, और मुझे अज्यूम करने क्या बोला कि अज्यूम हाइपरबोलिक कंडीशन एंड द इनिशियल कंडीशन आर सिमिलर टू फाइनल। अच्छा, मुझे क्या बोला कि यहां से लेके मेरा डिक्लाइन हो रहा है और मुझे 2 साल में डिक्लाइन बताना है, ये मान लो 0 से 2 साल, यहाँ मुझे क्यू टी बताना है और मुझे मान लेना है कि यहाँ का डी इस पूरे दरमियान में कंडीशंस चेंज नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं डी बोल रहा है कि अज्यूम कर लो वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हाइपरबोलिक की इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्यू टी इज इक्वल टू क्यू आई 1 + n डी आई टी की पावर 1/n, यही होता है, ठीक है। अब मुझे क्यू आई कितना दिया हुआ है, 1000, कितना दिया हुआ है 1000, ये कितने में इधर यूनिट्स भी लिखता जाता हूँ, मीटर क्यूब पर डे, यूनिट्स का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, अपॉन 1 + n, n कितना है 0.8, डी की यूनिट क्या दी हुई है, डी की यूनिट है मेरे पास 0.05 पर मंथ, दैट इज 0.05। अब देखो ये पर मंथ है, ठीक है। अब जो डिक्लाइन पूछा है मुझे आफ्टर 2 ईयर्स पूछा है, 2 साल के बाद, ठीक है, तो टाइम मेरे पास क्या है, 2 साल है, 2 ईयर्स है। अब देखो ये तो ईयर्स है, ये मंथ है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब क्या हो गया, ये भी मंथ में हो गया, ये भी मंथ में हो गया, यूनिट क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ये 1/0.8 हो गया। अब जो यहाँ पे क्यू टी आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब पर डे में ही आएगा, क्योंकि नीचे में क्या हो गया, सब डायमेंशनलेस हो गया है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, दैट इज 0.8 × 0.05 × 2 × 12, ठीक है, +1, ठीक है। तो ये हो गया 1000 upon 1.96 की पावर 1 upon 0.8, तो दैट इज की पावर 1.96 की पावर 1.25, ठीक है, और 1000 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये कितना हो गया, QT कितना आ गया, 1000 है कि 100 है, 100 है, 100 है, तो ये कितना आ गया, 43.12 STB पर डे, 43.12 मीटर क्यूब पर डे, STB लिख दिया मैंने, दैट इज मीटर क्यूब पर डे, कोई दिक्कत नहीं है।